मुझे लग रहा है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं इसको खा के बताती हूँ कि कैसा है। मेरे पास बचा है ओनली 50 रुपीज़, मैंने 50 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। सो आज का जो वीडियो है बहुत अलग है और मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मेरे को याद आया कि मैंने अपने चैनल पे एक फूड चैलेंज किया था, मैंने अपनी सिस्टर के साथ किया था और आपको बहुत पसंद आया था, वो मोमो चैलेंज था। तो मैंने सोचा कि एक और फूड चैलेंज करूं, और आजकल ये बहुत चला है कि कुछ है, मैं आगे टॉपिक बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये ट्रेंडिंग है तो मैं भी बना लेती हूँ, और चैलेंजिंग है। आई थिंक ये थोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या करूँगी, नहीं कर पाऊँगी मैं, होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं आगे बताऊँगी कि क्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। अब बताती हूँ कि मैं इस वीडियो करने का क्या मोटिव था। रिसेंटली मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी और मैंने देखा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और ख़ासकर मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो बैंगलोर आपको पता ही कितना एक्सपेंसिव सिटी है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब यदि आप अच्छी खासी जॉब है तो आप कर सकते हो, स्टिल यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊँ और मैं देखूँ कि मैं एक फिक्स अमाउंट पे सर्वाइव करती हूँ कि नहीं। तो मतलब मैं आज जो पूरे एक दिन बस मैं इस 100 रुपीज़ पर सर्वाइव करने वाली हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, ये बहुत पुराना नोट दिख रहा है क्योंकि मैं कैश कैरी नहीं करती हूँ, तो बस इस वीडियो के लिए मैंने ये 100 रुपीज़ कैश लिया है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। 1 डे मीन्स मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, लंच करूँगी, इवनिंग स्नैक्स खाऊँगी और डिनर बहुत अच्छा खाऊँगी, क्योंकि देखते हैं डिनर मेरे को थोड़ा अच्छा चाहिए। और उसके बाद मेरे को मीठा क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है और मेरे को रात में खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है। तो मैं देखती हूँ, क्योंकि यदि होगा तो ही मैं खाऊँगी, नहीं होगा तो इम्पॉसिबल ही होगा, मैं नहीं खा पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मैं कैसे सर्वाइव करती हूँ और एक दिन मैं कैसे बस इस 100 रुपीज़ में बिताती हूँ, उस पूरे दिन में, वो भी बैंगलोर जैसे शहर में। तो चलिए मेरे साथ, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे को जहाँ तक पता है मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मेरे को 100 रुपीज़ में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है और ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगी बस आप लोगों के लिए। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना कि मैं सर्वाइव करती हूँ कि नहीं करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं सर्वाइव करूँगी या नहीं। तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट का मेरे को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या कैसे है, बट यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ साउथ इंडियन से ये स्टार्ट करूँ, क्योंकि थोड़ा साउथ इंडियन फीलिंग होती है, मतलब अच्छा आपको पेट भर जाता है। तो मैं देखती हूँ, कुछ इडली डोसा करती हूँ या कुछ और मिले तो मैं कर लूँगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। सो फाइनली मैं घर से निकल गई हूँ, वो भी इस 100 रुपीज़ को लेके, और ब्रेकफास्ट के लिए देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। मेरे को कोई आइडिया तो है नहीं कि मेरे को कहाँ जाना है, सोचती हूँ, देखती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ेगा, साथ में वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दिखाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट कहाँ करती हूँ। वैसे तो जगह बहुत जगह है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन मैं बहुत कम इन्वेस्ट करने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट पे। तो सोचती हूँ कि कहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे मिल जाता है, वो मेरे को देखना बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि मैं कहाँ जाके इतने सस्ते प्राइस पे ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरे को एक सस्ते ब्रेकफास्ट के लिए इतना वॉक करना पड़ा है कि मैं अभी से थक गई, लेकिन मैं जानबूझ के इतना कम प्राइस ब्रेकफास्ट पे रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं लंच और डिनर में कितना लगेगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वीडियो कैसा जाएगा और पॉसिबल है भी कि नहीं कि मैं 100 रुपीज़ में सर्वाइव करूँगी, स्टिल देखते हो। तो एक सस्ते ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं और देखते हैं फिर कहाँ ढूंढती हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे लग रहा है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ब्रेकफास्ट में मेरा ये हाल है, तो मैं लंच और डिनर में क्या करने वाली हूँ। मैं पूरे दिन ऐसे ही इस वीडियो के लिए मैं आज खाना ढूंढती रहूँगी, बट आप लोग के लिए कुछ भी। चलिए, तो आफ्टर फाइनली 20 मिनट्स ऑफ वॉक, मेरे को एक वहाँ पे इडली भैया मिले हैं, इडली वाले भैया। सो मैं देखती हूँ वहाँ पे, मेरा बजट मैक्सिमम 15 to 20 रुपीज़ है, देखती हूँ वहाँ पे क्या मिलता है। चलिए चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने उस दुकान से कुछ नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे इडली ख़त्म था, और इडली का प्राइस सही था लेकिन इडली ख़त्म था, और डोसा जो था बहुत महंगा था, मेरे बजट से बहुत बाहर था। डोसा 35 रुपीज़ था,
तो मेरा जो बजट है मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में मैं 15 to 20 rupees देखती हूँ आगे कहाँ से मैं 15 to 20 rupees में कुछ खा पाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, ऑलरेडी बहुत वॉक कर लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। आपको इस वीडियो को बहुत अच्छा लाइक करना है, कमेंट्स करना है, रिस्पॉन्स देना है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना है इस वीडियो को। और यदि आप चाहते हो कि आप ऐसी वीडियो मैं और बनाती रहूँ तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देना है इस वीडियो को। तो चलिए ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, देखते हैं कहाँ मेरे बजट में ब्रेकफास्ट मिलता है। सो मैं मेन मार्केट में पहुँच गई, यहाँ पर बहुत सारे शॉप हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं। भैया इग्नोर कर रहे हैं, बट मैं 20 rupees में अपना ब्रेकफास्ट करके रहूँगी। मेरे को 20 rupees में ब्रेकफास्ट मिल गया और इतना टेस्टी, मैं देखती हूँ कैसा है टेस्ट। हाँ ठीक है आप दे दो। तो भैया मान गए मेरे को 20 rupees में जलेबी और फाफड़ा देने के लिए, तो मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ब्रेकफास्ट को इन्जॉय कर रही हूँ। बोलो इतना अच्छा 20 rupees में मैंने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट लिया कि मेरा सुबह ही मन ब्रेक। सो फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और इतना यमी ब्रेकफास्ट मैंने किया है, मन खुश हो गया। अब मैं इस वीडियो को अच्छे से कर सकती हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि मैं चैलेंज पूरा कर सकती हूँ। यहाँ भी नहीं लग रहा है, लंच और डिनर बहुत बचा हुआ, तो चलिए मेरे साथ। सो फाइनली मैं अपना 100 rupees भैया को दे रही हूँ और मेरा यहाँ इसमें से 20 rupees कटेगा, रिमेनिंग देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर माई लंच और मैं लंच खाने जा रही हूँ। पहले मैं बाहर दिखा, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन मैं बता दूँ कि मैं जा रही हूँ लंच करने, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो मेरे पास जो बचा था 420 के नोट्स हैं, जो 80 rupees मेरे पास बचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो लंच है वो 30 minute हो जाए, 30 maximum 40 या 35 में मेरा लंच हो जाए। तो कोई आइडिया तो नहीं इधर आसपास में क्या ऐसा मिलेगा कि नहीं, मैं सोच रही हूँ उदपी जाऊँ, उदपी मेरे पास में है लेकिन वहाँ पे तो बहुत प्राइस होता है, लेकिन वहाँ पे भी एक बार देखूँगी या पास में कोई और जगह मेरे को रास्ते में मिल जाता है तो मैं वहाँ ट्राई करूँगी, और यदि मेरे बजट के अंदर मिल जाता तो मैं लंच वहीं करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या करती हूँ। अभी मेरे को एक आइडिया था कि यहाँ मेरे घर के पास एक दुकान है बट वो बंद है, तो अभी मैं दूसरी जगह जाती हूँ, दूसरा जगह देखती हूँ। वैसे तो अभी लंच के टाइम में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा दुकान बंद ही होता है, तो देखती हूँ कि दूसरा जगह कहाँ पे हमें लंच मिलता है। सो फाइनली मेरे को एक दुकान मिल गया है, शॉप मिला है जहाँ पे मेरे को रोल है, यहाँ पे मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग वेज रोल खाऊंगी जो कि 30 rupees है। मैं एक रोल नहीं खा रही हूँ, मैं अपने बजट में जा रही हूँ, तो 30 में मेरे को रोल मिलेगा और मेरे को पता है कि 30 में मेरा पेट अच्छा खासा भर जाएगा। तो आज का लंच तो सॉर्टेड है, मैं लंच में आज खा रही हूँ वेज रोल, कुछ भी करना पड़ेगा खाना पड़ेगा, बट शाम रात में मैं अच्छा खासा खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। बट अभी भी चल जाएगा, मैं रोल से एक रोल से मेरा हो जाता है,
तो मैं लंच करती हूँ, दिखती हूँ कि 30 रुपीज़ का जो रोल है यहाँ पर कितना टेस्टी है। वैसे इस दुकान का नाम है कोलकाता सम रेस्टोरेंट, तो मेरे को लग रहा है कोलकाता का जो रोल होता है मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, तो सारी ये लोग भी टेस्टी नाम है, मैं बताती हूँ कैसा। अब मेरे पास बचा है ओनली 50 रुपीज़, मैंने 50 रुपीज़ स्पेंड कर दिया है और बस 50 रुपीज़ बचा है, तो मेरे को इसमें इवनिंग स्नैक्स, रात का खाना और डेजर्ट होगा तो मैं खाऊंगी। देखते हैं, थोड़ा भी खा लूँगी। मज़ा आया, उससे मेरा पेट भर जाएगा। ये रोल खा के मेरे को कोलकाता के दिन याद आ रहे हैं, जब मैं वहाँ पे ऐसे रोल्स खाया करती थी। और ये जो दुकान है वो भी कोलकाता के ही और ये लोग रखे हैं, इस दुकान का नाम भी कोलकाता स्पाइसी है, तो दुकान भी कोलकाता का ही इन लोगों ने ऐसा रखा है, तो मेरे को पूरा कोलकाता का टेस्ट आ रहा है, तो मेरी याद तो पूरा ताज़ा हो गई। तो मैं इसको ख़त्म करती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ डिनर में, और देखते हैं डिनर में मैं क्या करती हूँ। सो इट्स टाइम फॉर माई इवनिंग स्नैक्स, मैं तो बोल रही थी डिनर ही करूँगी लेकिन भूख लग रही है, तो सोचती हूँ कि कुछ खा लूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पहले मैंने देखा था कि जब मैंने लंच किया था रोल में तो मेरे पास 50 बजे थे, तो अभी मेरे पास 50 है, तो 50 है ऐसा ही है, मैं स्नैक्स भी अच्छे से खा सकती हूँ, डिनर भी कर सकती हूँ, और चाहूँ तो मैं कुछ बचा के डेज़र्ट भी खा लूँ। तो देखते हैं इवनिंग स्नैक्स में क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा शाम थोड़ी सी हुई है, बट देखते क्या मिलता है। वो पॉसिबल नहीं है कि कुछ अच्छा, मतलब ज़्यादा कुछ मिले, होप नहीं रखती हूँ, बट ढूंढने पर तो बहुत कुछ मिल जाता है। जैसा कि हमें लंच मिला है, ब्रेकफास्ट मिला, ब्रेकफास्ट इतना अच्छा मिला 20 रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ में भी हम कुछ अच्छा ढूंढ ही लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहो और चलते हैं अपने इवनिंग स्नैक्स पे। वैसे मैं चाय पर्सन नहीं हूँ, नॉर्मली लोग चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो उसके अलावा मैं कुछ देखती हूँ ऐसा, कुछ समोसा या कुछ कुछ दूसरा कुछ मिल जाए, मैं चाय तो नहीं पी, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, तो मैं गर्मी में चाय बिल्कुल नहीं पीने वाली हूँ, तो देखती हूँ कुछ स्नैक्स में क्या मिलता है। चलो भाई, से मैं आ गई हूँ मार्केट, और मार्केट में मेरे को एक सामने में एक वान दिख रहा है, वो समोसा वगैरह कुछ दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं से कुछ समोसा और पकौड़ा वगैरह देख लूँ, तो मेरे बजट में आता है, मैं अभी का बजट रख रही हूँ 10 रुपया, 10 रुपीज़ में कुछ आता है तो लेती हूँ, नहीं तो देखती हूँ। चलो देखती हूँ कि उनके भैया के पास है कि नहीं 10 रुपीज़ का कुछ। ₹10 में मेरे को एक बड़ा, एक ये कुछ है, ये एक दाल का कुछ बड़ा है, तो 10 रुपीज़ में मेरे को इतना कुछ मिल गया है, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, 10 रुपीज़ में मैंने इतना कुछ मिल गया है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, फिर इसके बाद देखती हूँ डिनर में क्या खाते हैं हम। तो जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट कि मैंने स्नैक्स खाया था, इवनिंग स्नैक, और इवनिंग स्नैक्स मेरे को बहुत जल्दी मिल गया, मैं एक शॉप पे गई मेरे को 10 में मिला, मैंने बहुत अच्छे से ले लिया वहाँ पे। अब मैं डिनर के लिए जा रही हूँ, जैसा कि रात हो गया है, डिनर में देखती हूँ, डिनर में थोड़ा मेरे पास 40 रुपया ही बचा है, और 40 रुपया में डिनर करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा कि मेरे पास अब 22 ही मिल बचे हैं, यानी 40 रुपीज़ ही बचे हैं, और मेरे को इसमें डिनर भी अच्छे से करना है, और साथ में मेरे को कुछ मीठा भी खाना है, या यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मेरे को कुछ ठंडा पीना है, तो मैं देखती हूँ या कुछ लस्सी या कुछ रहा नहीं जाता, कुछ लास्ट में मिले तो देखो एक्सपेक्टेशन देख रहे हो मेरी, 40 रुपये में मेरे को डिनर भी करना है अच्छा सा, और कुछ लस्सी भी पीना है, लस्सी 40 रुपये में कैसे होगा, बट मैं ये होगा तो करके दिखाती हूँ, और मैं दिखाती हूँ वो होता है तो ही बताऊँगी आगे, नहीं तो मैं अभी नहीं बोलूँगी, आगे देखती हूँ कि मैं डिनर में क्या करती हूँ और कितने में करती हूँ, तो ये भी देख ही लेना, मैं इतने पूरे दिन इतना मेहनत कर रही हूँ, अभी और मेहनत करूँगी, अभी और वॉक करके अच्छा जगह ढूंढती हूँ और देखती हूँ कि डिनर मेरे को कहाँ अच्छा मिलता है और मेरे बजट में मिलता है, तो चलिए मेरे साथ। सो वहाँ पर मेरे को एक ठेला दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पर पूछूँ कि वहाँ पर प्राइस क्या है, तो देखती हूँ कि मेरे बजट में वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। ये कुछ डोसा, फेमस डोसा का स्टॉल है,
तो यहाँ देखती हूँ कि कुछ डोसा में मिलता है कि नहीं है, और रात में डोसा खाना अच्छा भी है, थोड़ा हल्का भी है, और मैं उससे पेट भर ही जाएगा। यहाँ से लाइटिंग अच्छी आ रही है, यहाँ से लाइटिंग अच्छी आ रही है, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर क्या मिलता है। वो पूरा वहाँ पर टाइप्स ऑफ डोसा मिलता है, मैंने उसके बारे में अच्छा सुना है, बहुत अच्छा वहाँ पर बहुत अच्छा डोसा मिलता है। तो वहाँ पर देखती हूँ अपने बजट का कुछ है कि नहीं है, नहीं तो आगे देखते हैं कुछ मिलता है। यहाँ पे मेरे बजट में तीन चीज़ मेरे को मिल रहा है, मेरे पास 40 रुपीज़ है, बट मेरे को कुछ और भी बचाना है, तो मैं चाहूँ तो पूरा 40 रुपीज़ का भी खा सकती हूँ मसाला डोसा, जो मैं नहीं खाऊँगी कुछ मेरे को और बचाना भी है। तो या तो मैं सेजवान प्लेन डोसा खाऊँगी 35 रुपीज़ में, तो 5 रुपये मेरे पास बचेगा, या तो मैं प्लेन डोसा खा सकती हूँ, तो प्लेन डोसा खाऊँगी तो मेरे पास 15 रुपीज़ बचेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या खाया। मैंने सोचा, मैंने भैया से पूछा तो सेजवान प्लेन डोसा एकदम प्लेन ही डोसा जैसा था, तो मैं इससे अच्छा बेटर है कि मैं प्लेन डोसा पे ही जाऊँ, तो मैंने प्लेन डोसा ऑर्डर कर दिया। अभी मेरा डोसा आएगा, फिर मैं खाऊंगी प्लेन डोसा और मेरा खाना अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे हर टाइम पर खाना बहुत ही अच्छा और फुलफिलिंग हुआ है। तो मैं जब आता है डिनर तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरा डिनर आ गया है, जो कि प्लेन डोसा है, दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मैं इसको खा के बताती हूँ कि कैसा है। मेरे पास 20 रुपीज़ बच चुका है, 20 रुपीज़ मीन्स मैंने अभी तक 80 रुपीज़ ख़त्म किया है। बता दो कि वो वहाँ पे डोसा 25 का था, बट भैया ने मेरे से ओनली 20 रुपीज़ लिया, भैया इतने अच्छे थे तो बस 20 रुपीज़ लिया उन्होंने, 5 रुपये मेरे को नहीं लिया मेरे से। तो अभी मेरे पास 20 रुपीज़ है, और मेरे पास मैंने डिनर भी कर लिया, मेरे पास खाने के लिए बहुत अच्छा खासा, और कुछ डिजर्ट में या मैं लस्सी पीऊँ, जैसा कि मैंने बोला यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे को कुछ लस्सी या कुछ ठंडा पीने को मन कर रहा है। तो देखती हूँ कि 20 रुपीज़ में क्या मिलता है, और चलते हैं देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मैं एक शॉप में आई हूँ, आई थिंक यहाँ पे कुछ मेरे को बटर मिल्क या लस्सी या कुछ ऐसा कुछ लेती हूँ, देखते हैं। सो फाइनली मैंने लास्ट को 20 रुपीज़ बचा था, तो मैंने उसका लस्सी ले लिया है। तो मैंने सोचा बचा के क्या ही करना है, तो मेरे पास अच्छा है तो मैं अच्छे से लाइफ जी, अच्छे से अपना कुछ खाऊँ। तो ये बहुत ही ठंडा है लस्सी, और मेरे को लस्सी बहुत ही पसंद है, मेरे को लस्सी बहुत ही पसंद है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैंने इतने अच्छे से इस चैलेंज को पूरा किया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छी है, टेस्टी है। मैं इसको ख़त्म करने से पहले ये बता दूँ कि इस वीडियो में मेरे को चैलेंज मिला है, मेरे को पहले तो लग रहा था कि ये वीडियो बन ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, वो भी खासकर बैंगलोर जैसे शहर में बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट पता नहीं कैसे हो गया। मतलब 100 रुपीज़ में एक दिन में सर्वाइव करना जरूरी है, अच्छा है, मतलब कर सकती हूँ। और भी मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, शाम का इवनिंग स्नैक्स किया, उसके बाद डिनर किया, और अच्छा खासा मेरा चल गया। तो आप भी यदि ऐसा कर सकते हो तो आपका भी चल जाएगा, मतलब मैंने दिखा दिया कि 100 रुपीज़ में सर्वाइव कर सकते हो, तो आप भी बैंगलोर में कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और इसी टाइप के यदि आपको और चैलेंज मेरे चैनल पर देखने हैं तो वो भी आपको नीचे में कमेंट सेक्शन में बता देना, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और शेयर भी करना मत भूलना, शेयर भी तो कर दो वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अभी न्यू हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। और क्या हो गया, बस हो गया, और मैं अपने लस्सी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं अब लस्सी तो इन्जॉय करती हूँ, लस्सी बहुत टेस्टी है, तो इन्जॉय करती हूँ। फाइनली मैंने 100 रुपीज़ और भी कुछ नहीं बताया, तो लास्ट में 20 रुपीज़ मैंने इसी लस्सी में लिया, तो इसको पूरे अच्छे से मैं इन्जॉय करूँगी, क्योंकि मेरा दिन का ये लास्ट दिन है, जो और खाना बोल सकते हो जिसको मैं पी रही हूँ।
तो चलते चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, it's me, Sipri Suman, signing off. We will meet you on my next video. Till then, take care, bye-bye. And take care, bye.